कट करते हैं। जो भी कॉपर क्लेडिंग किया हुआ पीसीबीज बड़े रूप में मिलता है मार्केट में, वो आप लाए हैं, उसको पहले आप जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए हमको ग्लॉसी पेपर को का जो कार्बन ब्लैक है कॉपर क्लेडिंग में उतारने के लिए, उतने में आप कट कर लो उसे। कट करने के बाद उस जो पेपर प्रिंट आउट किए हो आप, उस पेपर को सेम मेज़रमेंट में रिक्वायर मेज़रमेंट जो है उसको आप नाइफ से कट कर लो। कट करने के बाद पेपर एंड ये दोनों पेपर और कॉपर क्लेडिंग दोनों कट होने के बाद आप उसको थिनर से पहले क्लीन कर लो, एसीटोन से क्लीन कर लो, नेल रिमूवर से क्लीन करने, कॉटन क्लॉथ से क्लीन करने के बाद का प्रोसेस आप पेपर कट करने के बाद, पेपर कट करके आप जो कॉपर क्लेडिंग किया हुआ पीसीबीज आपने अभी अभी कट किया उस पर आप उसको जस्ट प्लेस करो। प्लेस करने के बाद आपको क्या करना है, प्लेस करने के बाद आपको देखिए अभी मैं जस्ट इसको प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करने के बाद आप इसको कोई भी गम या फिर टेप्स या वीएचवी टेप्स ऐसे टाइप से मत चिपकाओ, एंड देन जस्ट प्लेस करके उसको आप ग्लॉसी पेपर पे हल्के से फ्लिप फ्लॉप मेथड में हॉरिजॉन्टल वे में आप उसको प्रेस करो स्मूथली। प्रेस करने से क्या होगा कि टेम्परेचर से जो कार्बन ब्लैक है पेपर में वो चीज़ आपका कॉपर क्लेडिंग में चिपक जाएगा, वो कार्बन पूरा का पूरा। सो इसमें क्या हुआ कि जो भी कार्बन ब्लैक है वो ट्रांसफ़र हो गया कॉपर क्लेड में। अभी आपको क्या करना है कि एक ल्यूकोवर्म थोड़ा सा सुसुम जिसको हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा गर्म पानी में उस पीसीबीज को जो पेपर आप प्रेस किए हो उस पे रख के उसको भिगा दो। भिगाने के बाद क्या होगा कि जो भी पेपर है वो कार्बन ब्लैक के सिवा बाकी जो बचा हुआ वो गल के आप अच्छे से उसको गलने के बाद रिमूव करा पाओगे। सो रिमूव करने में क्या है कि मिनिमम एंगल जो आप उसको पेपर को रिमूव कर रहे हो कॉपर क्लेडिंग से, एक मिनिमम एंगल बने कॉपर क्लेडिंग सरफेस से, उस वे में आपको उसको स्ट्रेच करना है, उसको धीरे धीरे करके खींचना है ताकि आपका ट्रैक्स जो है जो इम्प्रेशन बना है कॉपर क्लेडिंग पे, वो कॉपर क्लेडिंग पे जो कार्बन ब्लैक है वो बन जाए एंड बाकी वाला पेपर आपका स्मूथली वहाँ से रिमूव हो जाए। सो आप देख सकते हो कैसे कार्बन ब्लैक जो भी है वो कॉपर क्लेडिंग पे अच्छी तरीके से आ गया है। अच्छे तरीके से आने के बाद क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे ठीक तरीके से इम्प्रेशन नहीं बन पाया आप उसको ब्लैक मार्कर से, परमानेंट मार्कर से आप वहाँ पे मैनुअली बाय हैंड आप वहाँ पे ट्रैक्स बना दो ताकि पीसीबीज बनने के बाद आपको फर्दर कोई जंपर्स या ट्रैक्स वगैरह ऊपर से ना जोड़ना पड़े। तो आप देख लो मैंने बनाया वो कार्बन ब्लैक से। अभी हम लोग सॉल्यूशंस FeCl3 जो मेरा फेरिक क्लोराइड है वो फेरिक क्रिस्टल्स को हम वाटर में डाल के सॉल्यूशन बना लिए, एंड नाउ उसको अप टू 20 मिनट्स तक हम यूं ही ऐसे सेक करते रहेंगे फ्लिप फ्लॉप मेथड में, इसको भी हॉरिजॉन्टल वे में, सेफ वे में करना है, इसका जो सॉल्यूशन है आपके बॉडी पे ना पड़े। ग्लव्स का यूज़ करना है, वो बात सही है क्या हमने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस वे में एक्वेंटेड है, सॉरी प्रोटेक्शन हम लोग को यूज़ करना चाहिए ग्लव्स वगैरह, बट मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अगर नए हो तो प्लीज़ प्रोटेक्शंस जैसे ग्लव्स मास्क ये सब पहन कर करना ताकि आपके बॉडी को नुकसान ना हो। ये यूं ही अप टू 20 मिनट्स तक यूं ये प्रोसेस करने देना है। इसमें होगा क्या कि जो भी अनवांटेड कॉपर्स की क्लैड हैं हमारे पीसीबीज पे वो रिमूव हो जाएंगे, एंड जो मास्क किया हुआ है ट्रैक्स वो बच जाएंगे, वहाँ पे फेरिक क्लोराइड का रिएक्शंस नहीं हो पाएगा, इसके वजह से वहाँ के ट्रैक्स बच जाते हैं। सो बचने के बाद आप देखो कैसे फुल्ली ब्लैक एकदम आया है बाकी का कॉपर,
रिमूव हो चुका है, उसको हमको लेके सोप सॉल्यूशन से हमको अच्छे से उसको क्लीन करना है, जितने भी ब्लैक स्पॉट थे वो हटा देना है, एकदम क्लीन कर देना। आप देखो कैसे कंपैरिजन मैं किया हूँ। एंड नाउ इस जो कॉपर्स पीसीबीज आपकी बनी, उसको आप रिक्वायर्ड अमाउंट में जो भी मतलब ड्रिल बिट चाहिए, कहाँ पे ड्रिल चाहिए कहाँ पे ड्रिल नहीं चाहिए, आप उस वे में सही ड्रिल बिट्स का सेलेक्शंस करके आप पीसीबीज में ड्रिल कर लो। ड्रिल करने के बाद आप उसको साइजेस में पहले भी काट सकते हो, बाद में भी काट सकते हो। आप पीसीबीज को कट कर लो, पीसीबी कटर से आइदर हेक्सो फ्रेम आता है छोटा वाला, उससे भी आप कर सकते हो। आप देखिए कैसे हम सेफली पीसीबीज में ड्रिल कर रहे हैं, इसको मैं स्लो मोशन में दिखाया हूँ। 1 mm का भी आता है, 2 mm का भी ड्रिल बिट आता है, 0.5 mm का भी आता है। अब जिस वे में परचेस करना चाहो ड्रिल बिट को, परचेस करके आपका जो ट्रैक्स में यूज़ हो रहा है वैसे ड्रिल बिट्स को यूज़ करके आप उसमें जितने भी ड्रिलिंग है वो करके आप जो भी पार्ट्स इम्बेड करना चाहते हो आपके सिमेटिक के अकॉर्डिंग, आप उसमें पार्ट्स इम्बेड कर लो। एंड फर्दर अगर ट्रैक्स वगैरह को मोटा करना चाहते हो, करंट ड्रॉन उस ट्रैक में ज़्यादा होगा, ज़्यादा करंट जाएगा, तो आप उसको फर्दर शोल्डर वायर लगा के मोटा ठीक भी कर सकते हो, ताकि करंट ज़्यादा जाने से ट्रैक्स वगैरह बर्बाद ना हो, उखड़े नहीं। इसके लिए हम देखो हम लोगों ने उस ट्रैक्स को मोटा भी किया है जिसमें करंट्स ज़्यादा पास होंगे। और अगर उसको ट्रेडिशनल ग्रीनिश लुक देना चाहते हो आप अपने पीसीबीज को, तो अपने पीसीबीज को आप शोल्डर रेसिस्टेंट पेंट आता है ग्रीन कलर में, रेड कलर में, ब्लैक कलर में, आप उसको कलर भी कर सकते हो। सो आपका जो पीसीबीज है फाइनली सुपर कूल वे में दिखेगा। एंड आप इस टाइप के प्रैक्टिस आप फर्दर प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स फर्दर इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको कोई डाउट्स लगता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। एंड आई प्रॉमिस कि जिस वे में आपके परेशानी को मैं प्रॉब्लम्स को मैं डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँगा, मैं करने की पूरा कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स अब तक आप मेरे चैनल्स पे नए हो तो नो वरीज, आप अभी भी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यही एक वे है जो कि हम लोग को मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और भी नए नए ऐसे वीडियोस में बनाता रहूं, ताकि आपको और मेरे को दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।